देश की राजधानी दिल्ली में हत्या, लूटपाट, चोरी जैसी आपराधिक घटनाएं आम होती जा रही है, या यूं कहें कि राजधानी दिल्ली क्राइम कैपिटल में तब्दील होती जा रही है। ताज़ा मामला राजधानी दिल्ली के विजय विहार थाना इलाके का है, जहां कुछ दिन पहले भी बैटरी चोरी जैसी घटनाएं हुई थी, जिसमें करीब 40 से 45 बैटरी चोरी हुई। अभी ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि विजय विहार में एक साथ कई घरों में चोरी का मामला सामने आ गया। यहाँ इलाके के अंदर तकरीबन 10 लाख रुपए की चोरी की घटनाएं सामने आई है। चोरों ने यहाँ एक साथ कई घरों को निशाना बनाया और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए, जिसके बाद रविवार को लोग थाने पर इकट्ठा हुए और पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई। यहाँ 4 तारीख की सुबह 2 से 3 बजे के बीच में चोरी हुई है। आज 10 तारीख हो चुकी है, अब तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। जो मेरे आईओ इन्होंने चंद्र नायक है, आज तक मेरे घर सिर्फ मेरा नाम और पता पूछने के लिए एक बार गए हैं। उसके अलावा हमने खुद 7 दिन से हम खुद कार्रवाई कर रहे हैं और भाग दौड़ करके हमने 1 से 2 लोगों को पकड़वाया। यहाँ पर पकड़वाने के बाद इन्होंने शाम तक छोड़ दिया, ये कहते हुए कि ये लोग शामिल नहीं हैं। हमारे घर से वो चोर ने सारे मतलब किचन का सामान ले गया है, तेल, दाल, चावल, और वो मंदिर का सामान ले गया है, मतलब घंटी, लोटा, थाली, प्लेट, ये सब चीजें उठा के ले गया है। अब तो ज्वेलरी वगैरह भी ले गया, मेरी मंगलसूत्र वगैरह भी ले गया है, वो बच्चों का जी मतलब घर का सामान आदमी ज्वेलरी सब ले जाता है, वो तो बर्तन वर्तन भी ले गया उठा के। इलाके के लोग लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से परेशान हैं। उस पर तुर्रा यह है कि जब लोगों ने ही चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया तो उसके बावजूद चोर पुलिस के नज़रों से भी ओझल हो गया, जिससे स्थानीय लोगों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ रोष का माहौल व्याप्त हो गया। स्थानीय लोग पुलिस प्रशासन पर लापरवाही के आरोप भी लगा रहे हैं। सर, मेरा नीचे ढाबा है, ऊपर मेरा मकान रेजिडेंस है। कहाँ पर? विजय विहार में 115 में। वहाँ पे सुबह 8 तारीख को सुबह 3:15 बजे ऊपर मेरा एक लड़का रहता भतीजा, उसने हार सुनी तो कोई कूदा हमारी छत से, तो छत से जैसे ही कूदा तो लड़का नींद खोल गई, तो उसने जैसे दरवाजा खोला तो भागने की कोशिश करी उसने, तो लोहे का जीना लगा, जैसे ही लोहे के जीने बजाया लड़के ने पीछे से टांग पकड़ी, उसको नीचे खींच के ना झटका दिया तो नीचे गिर गया, वो पकड़ लिया। इलाके के लोगों का कहना है कि चोर हथियार लेकर चलते हैं और ब्लेड जैसे धारदार हथियार से वार भी कर जाते हैं, बावजूद इसके पुलिस की तरफ से कोई खास कार्रवाई नहीं की जा रही। 5 तारीख को मेरी गाड़ी की बैटरी चोरी हुई और मैं बैटरी चोरी की कंप्लेंट करवाने विजय विहार थाने में आया हूँ। मैंने देखा यहाँ पहले से इतने सारे लोग दुखी है, तो मेरी कहाँ बैटरी ढूंढ पाएंगे, तो बस मुझे पुलिस पे भरोसा उठ गया है और मैं अपने घर वापसी जा रहा हूँ। बहरहाल ये कोई पहला मामला नहीं है जब पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। इससे पहले भी पुलिस पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। यहाँ तो आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि पीड़ित परिवार खुद चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर रहे हैं, बावजूद इसके पुलिस लापरवाही दिखा रही है। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी है। यूनिवर्सल न्यूज़ के लिए दिल्ली से अपने सहयोगी अनुज झा के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट।